करने की शिकायत लेकर सेगांव के लोग पहुंचे एसपी कार्यालय, कार्यवाही की मांग की। शहर के सेगांव के रहवासियों ने आज एसपी को ज्ञापन देकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। सेगांव के लोगों का आरोप है कि कोई अज्ञात व्यक्ति समाज के लोगों की बार बार झूठी शिकायत पुलिस सहित अन्य जगहों पर कर रहा है। शिकायत में किसी को गांजा भांग का सप्लायर, तो किसी को हिरण का शिकारी, तो किसी को बाघ की खाल का तस्कर बताकर किसी को माफिया के संबंध में होने की शिकायत कर रहा है, जो गलत है। इसकी जाँच की जाए। उक्त अज्ञात के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है, जिस पर एसपी ने जाँच कर उचित कार्यवाही की बात कही है। ये हमारे थाना बड़वानी क्षेत्र के सेगांव गांव से एक समाज विशेष के लोग आए थे कि कोई अज्ञात व्यक्ति है जो उनकी लगातार झूठी शिकायतें कर रहा है, जिससे पूरे समाज और समाजजन जो है उनका नाम खराब हो रहा है, उनका नाम डाउन कर रहा है वो व्यक्ति। तो हमारे पास शिकायत की गई है कि उस व्यक्ति को पता लगाया जाए और इस तरह की जो भी झूठी शिकायतें की जा रही हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो हमने शिकायत पर संज्ञान लिया है और हम एसडीओपी के नेतृत्व में हम उस गांव में टीम भी भेजेंगे और जो उसमें बिंदु आए हैं उनको प्रॉपर वेरीफाई करके आगे की कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण हटाने के दौरान वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद पत्र और सीएमओ के बीच बहस से सीएमओ ने पार्षद पति पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पार्षद पति बोले, बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पलसूद नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 3 में पुराने शौचालय को तोड़ने गए शौचालय के पास वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद पति सुनील सेन का सामान रखा होने के कारण पार्षद पति और सीएमओ के बीच विवाद हुआ। पार्षद का आरोप बिना नोटिस के ही हटा रहे हैं। वहीं सीएमओ ने बताया कि पुराने शौचालय के पास पतरे और पाइप रखे हुए थे, हटाया जा रहा था, तो पार्षद पति आकर विवाद करने लगा और अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। वहीं इस बात के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। खैर, जैसे तैसे मामला शांत हुआ, लेकिन पार्षद पति और लोगों के बीच इस तरह सरेराह हुई बहस शहर में चर्चा का विषय बन गई। नंबर 3 में जो क्षतिग्रस्त जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो शौचालय था पुराना, उसको हटाया है। उसी समय पे वहाँ पे पार्षद प्रतिनिधि सुनील सेन तो कुछ साइड में रखा हुआ सामान था, उसको हटाते समय उनके द्वारा विवाद किया गया। उनके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग कर गाली गलौच वगैरह की गई और एकदम मारने के लिए उतारू हुए। इंदौर के सराफा थाने का एक अलग ही दिलचस्प मामला सामने आया है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि पहले तो फरियादी को संबंधित थाने में शिकायत करने के लिए हर जगह चप्पल घिसनी पड़ी, लेकिन जब अब कहीं जाकर एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद भी फरियादी पर ही आरोपी ने गंभीर आरोप लगा दिए। सराफा थाना स्थित गोवर्धन दास के संचालक से करीब 10 साल पहले यहीं के व्यापारी शालीन वाजपेयी ने 15 लाख रुपए मकान बनाने के एवज में लिए थे। फरियादी की माने तो उसने करीब ये राशि चुकता चुकता करते अभी तक 42 लाख रुपए मय ब्याज की अदा भी कर दिए, लेकिन इस दौरान उसके द्वारा गिरवी रखे गए 1.5 किलो सोना और 20 किलो चांदी उक्त सूदखोर उसे नहीं लौटा रहे, जबकि सराफा पुलिस ने भी मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। इधर जब ये पूरा मामला एडीसीपी प्रशांत चौबे के पास पहुंचा तो उन्होंने फरियादी को उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने चर्चा में कहा कि उक्त प्रकरण को दोबारा देखेंगे। फरियादी आके मुझसे मिले थे और उन्होंने बताया था कि इनका मुकदमा दर्ज हुआ है कर्जा अधिनियम में, लेकिन इनका ऐसा कहना है कुछ फैक्ट मिसिंग है जिन पे ये धारा 420-406 की कार्रवाई भी चाहते हैं। इसमें इनकी बात पूरी सुन ली है और डायरी बुला के एक बार देख लें क्या एंड कंडीशंस हैं, क्या स्टेटमेंट है, क्या एविडेंस आया है, उसके आधार पर प्रकरण में जो सही कार्रवाई है विधिवत कराई जाएगी। 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बहला फुसलाकर दो आरोपियों द्वारा गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। भवरकुआ क्षेत्र के बाल कल्याण समिति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ पास में ही रहने वाले दो लड़कों ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और दोनों ही आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी गौरव और शादाब को गिरफ्तार किया है। नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि ये दोनों ही आरोपी उसे देवास स्थित एक होटल के कमरे में लेकर गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करी। इसमें जीवन ज्योति में नाबालिग बच्ची लाई गई थी, देवास से कहीं से रेस्क्यू हुई थी और उसके बाद पता चला कि उसके यहाँ जिस घटनास्थल पर अपने भरकुआ क्षेत्र में घटना हुई है और उसको 363-376 के धाराएं लगाकर दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है, बच्ची का नारीन कथन और सारी चीज़ें होने के बाद पुलिस उसमें शीघ्र विवेचना करते हुए चलान करेंगे और कोशिश करेंगे इनको सख्त सजा दी जाए।